तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग होंगे जिनका बजट इतना हाई फाई नहीं रहता, बहुत कम बजट रहता है। आपको एक लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप वो भी अराउंड 20,000 के प्राइस टैग के नीचे, अंडर 20,000 रुपये से पे चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए, मैंने यहाँ पे ऐसे दो लैपटॉप सेलेक्ट किए जो कि आप 20 से 25 हज़ार प्राइस टैग पे ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे लैपटॉप है। अगर आप एक ऑफिस यूज़र के लिए ले रहे हैं या फिर एक स्टूडेंट है फिर उस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस इन दो लैपटॉप को ले सकते हैं। अगर आपका बजट कोई हाई फाई नहीं है, 30-40 हज़ार रुपये आप नहीं दे सकते, 50 हज़ार रुपये नहीं दे सकते, तो 20 हज़ार के प्राइस टैग पर बहुत अच्छे लैपटॉप को मिल रहे हैं 20 से 25 हज़ार प्राइस पे। मैंने यहाँ पे दो लैपटॉप लिए हैं, एक है 20,000 के अंडर और एक है 25,000 के अंडर। तो वो आपके बजट के टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा लैपटॉप सेलेक्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट लैपटॉप था वो आसूस का वीवो बुक 15। फ्रेंड, इसमें सेलेरॉन प्रोसेसर लगा हुआ है, 4 GB की रैम, 256 GB की स्टोरेज, विंडोज 10 इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, 2 kg का कहते हैं वेट है। अब फ्रेंड, ये फ्रेंड जो लैपटॉप है ये आपको 19,990 रुपीज़ में पड़ जाएगा, मतलब अंडर 20,000 रुपीज़ पे। अगर आप कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको और इसमें पैसे कम हो जाएंगे, पर 20,000 हम प्राइस टैग कंसिडर करते हैं। अगर आपका 20,000 का बजट है, आपको एक लैपटॉप चाहिए था ऑफिस यूज़ के लिए और स्टूडेंट वर्क के लिए, तो डेफिनेटली आप इसे ले सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको एक लैपटॉप चाहिए अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आपके डेटा से रिलेटेड, तो डेफिनेटली इसे ले सकते हैं। अगर आपको ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, जैसे आपको इधर से उधर कोई डेटा मूव करना पड़ता है या फिर किसी का डेटा अपडेट करना पड़ता है, जैसे आप गाँव गाँव में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी है, तो आज का हर गवर्नमेंट जॉब भी डिजिटल हो रहा है, तो आपको एक लैपटॉप भी कंसिडर पड़ता है। कहीं पर भी बैठ के आप सीधे इंटरनेट कनेक्ट कीजिए, अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट लगा के अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। 20,000 के पैसे में सबसे अच्छा लैपटॉप है अगर आप इसे कंसिडर करते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और 5,000 रुपीज़ और, तो हमारा जो दूसरा लैपटॉप होता है लिनोवो का आईपैड। फ्रेंड्स, के अंदर आपको कोर i3 7th जनरेशन मिल जाता है, 4 GB की रैम, 1 TB हार्ड डिस्क और विंडोज़ 10 और MS ऑफिस 2019 में इंस्टॉल मिल जाता है। ये आपको लिनोवो कंपनी से मिलता है। इसके प्राइस टैग की बात करूँ तो 25,990 रुपीज़ के, मतलब 26,000 के प्राइस टैग को ये लैपटॉप मिल जाएगा। इसके अंदर फ्रेंड आपको क्या कहते हैं, कोर i3 मिल जाता है, तो जो सेलेरॉन प्रोसेसर इसमें डला हुआ है उससे क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा मच बेटर आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। बट अगर आपका बजट ज़्यादा हाई फाई नहीं है, 50 अगर आप 5,000 रुपये एक्स्ट्रा नहीं पे कर सकते, और डेफिनेटली आप इसे ले सकते हैं। ये भी कोई ख़राब लैपटॉप नहीं है, ये भी आपके सारे काम इजिली करा देगा, बहुत अच्छा। प्लस पॉइंट आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको 256 GB की SSD देखने को मिल जाती है। तो अगर आप ऑफिस पर्पज़ के ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि ये एकदम मक्खन आपको स्मूथ करा देगा। बट आपको थोड़ा सा और अच्छा एक्सपीरियंस के लिए चाहिए तो आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको कोर i3 मिल जाता है। तो टोटली आपके बजट पर डिपेंड करता है, अगर आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप इसे कंसिडर कीजिए, बट अगर आप नहीं कर सकते तो आप इसे ले सकते हैं। होपफुली फ्रेंड आपको वीडियो समझ आए, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें हमारे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।